बच्चों, तिथि 31 अगस्त 2020 को। आज हम हिंदी विषय को लेकर कक्षा 7वीं में कुल अंक 40 अंकों की प्रश्न पत्रिका उत्तरों समेत इसका लेखन करने वाले हैं। उसके लिए आप लोगों को ये प्रश्न पत्रिका व्हाट्सएप के जरिए फोटो और साथ में यूट्यूब की लिंक देकर उसमें की सूचनाएं सुनकर इसे आपको आपके हिंदी विषय के कॉपी में यानी सुंदर हस्ताक्षर में आपके हिंदी विषय के नोटबुक में इसे अच्छी तरह से लिखना है। जब हमारा स्कूल शुरू हो जाएगा तब उस वक्त इसका मूल्यांकन करवा के आप लोग इसका मुझे फोटोग्राफ यानी व्हाट्सएप के जरिए फोटो निकाल कर मुझे आपको सेंड करने हैं, ताकि मैं इसे देखकर समझ लूँगा कि आप लोगों ने ये प्रश्न पत्रिका उत्तरों समेत लिखी है। तो प्रश्न पत्रिका कुल 40 अंकों की है। इसमें मुख्य 4 प्रश्न है। इन प्रश्न तथा उप प्रश्नों के उत्तर आपको आपके हिंदी विषय के नोटबुक में लिखकर मुझे फोटो कॉपी इसके निकाल कर भेजनी है। पहला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। इसके लिए अंक यानी गुण है 5। 1, गांव में कैसी जगह नहीं थी। 2, मुखिया ने गांव वालों की शिकायत किससे की। 3, माँ शब्द सुनकर माँ क्यों दौड़ पड़ी। 4, बच्चे ने किस बात को अच्छी बात कहा। 5, जूलिया गृह स्वामी के यहाँ क्या काम करती थी। प्रश्न क्रमांक 1 अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। किसी 3, इसके लिए अंक 6 यानी गुण है 6। किसी 3 उपप्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इसके लिए आपको 4 उपप्रश्न दिए गए हैं। 1, जूलिया के किन गुणों के कारण गृह स्वामी जूलिया से संतुष्ट थे। 2, गृह स्वामी ने जूलिया को किस प्रकार अन्याय का विरोध करने की सीख दी। 3, माँ श्रद्धा के मन में प्रसन्नता और विषाद के भाव एक साथ क्यों थे। 4, गांव के लोगों के हाथ में कौन सा मंत्र तंत्र आ गया था। इस तरह से पहला प्रश्न होने के बाद प्रश्न क्रमांक 2 अ, दिए गए मुहावरे से वाक्य पूरे करें और उस वाक्य को फिर से लिखिए। इसके लिए अंक यानी गुण है 4। मुहावरे, 1, अड़ंगा लगाना। 2, आग का काटा होना। 3, आकाश पाताल का अंतर। 4, कायाकल्प होना। 5, खून पसीना बहाना। इन मुहावरों को आपको नीचे दिए गए वाक्यों में अच्छी तरह से उचित रचना के साथ लिखना है। 1, कुमार और उसके साथी मुखिया की डैश डैश। 2, गांव वालों की मेहनत से गांव का डैश डैश। 3, कुमार और मुखिया में डैश डैश। 4, मुखिया गांव वालों के भले कामों में डैश डैश। 5, गांव वालों ने खून डैश डैश अपने गांव को खुशहाल बना लिया। गांव वालों ने खूब अपने गांव को खुशहाल बना लिया। प्रश्न क्रमांक 2 अ, आशय स्पष्ट करें। 3 पंक्तियां दी गई है, 3 उपप्रश्न दिए गए हैं। इसमें से किसी 2 उपप्रश्नों के आशय आपको स्पष्ट करने हैं। इसके लिए अंक यानी गुण है 4। 1, तुम अच्छी तरह समझती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठगना यानी धोखा देना, फंसाना। 2, भला इंसान को लाने के लिए क्या यह जरूरी है कि सब सहन कर लिया जाए। 3, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें लड़ना होगा। इस तरह से 3 में से 2 वाक्यों के आप लोगों को आशय स्पष्ट करने हैं। प्रश्न क्रमांक 3 अ, निम्नलिखित शब्दों के 2
दो पर्यायवाची शब्द लिखे, उसके लिए गुण है 3। एक माँ डैश डैश, दो प्रसन्न डैश डैश, 3 भाग्य, 4 हृदय, 5 मृग, 6 विषय। आगे देखिए, पन्ना पलटिए। प्रश्न क्रमांक 3 आ, इन संज्ञा शब्दों के आगे विशेषण शब्द लिखे, इसके लिए गुण यानी अंक है 4। संज्ञा जैसे कुटिया, विशेष गुण सुनी। उसी प्रकार आपको नीचे दिए गए संज्ञा के विशेषण लिखने हैं। 1 बाहें, 2 अलक, 3 फल, 4 हृदय। ये सभी विशेषण कविता में आए हैं, उनको आपको पढ़कर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 ई, प्रश्न निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखे, जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तत्पुरुष समास। 1 हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ डैश डैश, 2 माता पिता, माता और पिता डैश डैश, 3 पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे डैश डैश, 4 नभचर, आकाश में विहार करने वाले। यहाँ पे बिहार हुआ है, बिहार नहीं विहार, विहार यानी घूमना, नभ में संचार करना। तो इन शब्दों का समास विग्रह करने के बाद आपको उस विग्रह का समास का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तत्पुरुष समास। प्रश्न क्रमांक 4 अ, निबंध लेखन कीजिए। 3 विषय दिए गए, 3 में से एक विषय पर आपको अच्छी तरह से निबंध लिखना है, उसके लिए अंक यानी गुण है 5। 1 रक्षाबंधन एक त्योहार, 2 मेरे प्रिय शिक्षक, 3 मेरा प्रिय खेल। निबंध लेखन करते समय 20 अंकों की 20 पंक्ति आपको निबंध लेखन करना है किसी एक विषय पर। प्रश्न क्रमांक 4 आ, पत्र लेखन कीजिए। 2 विषय आपके सामने दिए गए हैं, उसमें से एक विषय पर आप लोगों को अच्छी तरह से 10 पंक्तियों का पत्र लिखना है, उसके लिए अंक यानी गुण है 5। 1 मित्र की वर्षगांठ यानी जन्मदिन की पार्टी में न जा सकने का कारण बताते हुए पत्र लिखिए। मित्र की वर्षगांठ यानी जन्मदिन पर आप लोग नहीं जा रहे हैं, उसके लिए उसका उससे विनती कीजिए, उसे क्षमा मांगीजिए और उसके पार्टी में न आने का कारण बताइए। 2 गौरी गणपति के उत्सव पर अपने बड़े भाई को घर बुलाने का आमंत्रण देने वाला पत्र लिखिए, अपने भाई को, ताकि गौरी गणपति के उत्सव का आनंद आप लोग ले सके, जैसे अभी आप लोगों ने हाल ही में लिया है। इस तरह से ये 40 अंकों की कक्षा 7वीं में लिखी हुई प्रश्नों और उत्तरों समेत जो प्रश्न पत्रिका आपके नोटबुक में आप लिखने वाले हैं, उसके फोटो निकाल कर आप लोग ग्रुप पे डाल दीजिए, और जब हम स्कूल यानी कक्षा में उपस्थित होंगे उस वक्त इसका मूल्यांकन करवा के आपको अंक यानी गुण दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे। तब तक इसे संभाल कर अच्छी तरह से लिखी है, यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।